पूरे सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या है, ये पूरा हमारा चक्र जो है वो चल चुका है। आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है पहला पड़ाव, यहाँ पर इस पूरे चक्रव्यूह का पहला पड़ाव CBT 1 पार करना होता है, फिर उसके बाद में CBT 2 आपको देना होता है, उसके बाद में यहाँ पर स्किल टेस्ट, यानी जो लोग टाइपिंग वाले जो दो पोस्ट थे ना हमारे, उसमें यहाँ पर टाइपिंग वाले जो है पेपर देने हैं आपको, और बाकी स्टेशन मास्टर को अपना CBT 80 देना है, ठीक है। फिर ये जब आप सारा हो जाएगा, पहला पद और दूसरा दे दोगे, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और DME होगा, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर पूरा मुबारक हो आपको मेरे भाई, आपको आपकी नौकरी मिल जाएगी, यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात आता है कि सर देखो ठीक है, CBT 1 CBT 2 सारी बातें हम जान गए, लेकिन कौन सा पेपर होता है, कितने मिनट का होता है, कितने सवाल पूछे जाते हैं, कौन सा सब्जेक्ट होता है, वो क्या पैटर्न है? तो देखिए यहाँ पर पैटर्न की अगर हम आपको समझा दें, तो पैटर्न में थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। सबसे पहला मेरे भाई हम आपको यहाँ बता रहे हैं, देखिए CBT 1 है आपका पहला पड़ाव है, पहले पड़ाव में यहाँ पर आपका है मैथ, फिर है रीजनिंग, फिर है GA, फिर है मेरे भाई तीन ही सब्जेक्ट आपका, इंग्लिश हिंदी वाला कोई चक्कर नहीं है। इसमें अगर आप देखोगे तो कुल मिलाकर के यहाँ पर इसके 30 सवाल, इसके 30 सवाल और इसके 40 सवाल, यानी किसके 40 सवाल, तो GS के 40 सवाल। हर एक सवाल अपने आप में एक एक नंबर का होता है, 100 सवाल 100 नंबर का पेपर, और समय आपको मेरे भाई मिलता है यहाँ पर 1.5 घंटा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो आपकी 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होता है, ठीक है। ये जो होता है सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, और इसमें भी नॉर्मलाइजेशन आपको मिल रहा होता है, इसके आधार पर कोई मेरिट नहीं बनती है। जब आप इसको पढ़ाओ कर को पार करके जाते हो भाई, तो उसके बाद आपका आ जाता है CBT 2। CBT 2 में अगर हम बात करें तो मैथ्स के अब 30 के जगह पर हो जाते हैं 35 सवाल, रीजनिंग के 30 के जगह पर हो जाते हैं 35 सवाल, और यहाँ पर 40 के जगह हो जाते हैं 50 सवाल, यानी 20 सवाल आपके बढ़ जाते हैं, तो 20 नंबर भी आपके बढ़ जाएंगे, और समय मेरे भाई आपका हो जाएगा वही 1.5 घंटा जो पहले भी था। उसमें भी नेगेटिव मार्किंग 1/3 था, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। अब ये जो दो बातें मैंने आपके लिए लिखी है, अच्छा देखिए, जो आपका CBT 1 था वो क्वालिफाइंग इन नेचर था, और जो मेरिट बनेगा मेरे भाई आपका, वो यहाँ पर इसी के ऊपर में मेरिट बनना है, ठीक है। स्टेशन मास्टर के लिए मैंने कहा कि एक अलग से आपको पेपर देना है, और वो है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट CBT मेरे भाई, बाकी किसी पदों के लिए ये वाली आपको जो पेपर है वो नहीं देनी है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर पिछली बार क्या था, तो 20 गुना कैंडिडेट बुलाए गए थे, और इस बार क्या है, तो 15 गुना कैंडिडेट बुलाए गए हैं। ये भी कहा गया कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी शॉर्ट लिस्टेड विल बी 15 टाइम ऑफ द कम्युनिटी वाइज वैकेंसी ऑफ ऑल नोटिफाइड पोस्ट यहाँ पे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखकर चलना, मैंने कहा ना कि इस वीडियो के बाद में कुछ भी आपका नहीं बचने वाला है, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो के अंदर में मिल जाएगी। अब अगर हम बात करते हैं सिलेबस और पाठ्यक्रम के बारे में, तो देखिए मैथ्स का आपका पूरा का पूरा सिलेबस है, और तरीके से हमने एक एक चीज़ यहाँ पर लिखवा दी है, सारी जानकारी हमने यहाँ पर दे दी है। मैथ्स के बाद में ये आपका मेरे भाई रीजनिंग का पूरा सिलेबस हो जाता है, सारे टॉपिक्स के नाम यहाँ दिए गए हैं जो CBT 1 और CBT 2 दोनों के लिए पढ़ना है, अलग अलग मेरे भाई सिलेबस नहीं है। तीसरा जो हो जाता है वो आपका GS का ये पूरा का पूरा जाता है, और ये सारा का सारा आपको पढ़ना है, ठीक है। इसमें आपका जो हो गया ये साइंस का पूरा हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एनवायरमेंटल स्टडीज, ये पूरा आपको पढ़ करके जाना है, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस हो गया है। अब देखिए इसमें जो ये मैथ्स का पूरा सिलेबस है, मैथ्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्यों करता है, क्योंकि देखो GS ऐसा है ना, कितना भी पढ़ करके चला जाओ समंदर है, उसमें पूरा स्कोर करने का मेरे भाई कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है कि आप पूरा नंबर लाएँ। लेकिन मैथ और रीजनिंग दो ऐसे विषय हो जाते हैं जहाँ पर आप अपने पूरे नंबर लेकर के आ सकते हैं। तो अगर आप मैथ्स मुझसे पढ़ना चाहते हैं और ये पूरा का पूरा पढ़ना चाहते हैं, कि एक टॉपिक के धागा खोल देना चाहते हैं कि हाँ हमको बढ़िया तरीके से सारा कुछ समझ में आए, तो आप यहाँ पर मेरे भाई हमारा मैथ्स का VOD 2.0 बैच ले सकते हैं, अगर आप अपने सिलेक्शन के लिए श्योर हैं। तो देखिए मैं बताता हूं, NTPC का जो पेपर होता है लगभग CGL के लेवल के बराबर का होता है, ये ग्रुप डी वाले लेवल का पेपर नहीं है। इनफैक्ट मैंने अपने टाइम पर काफी मेरे ऐसे दोस्तों को देखा था जो CGL की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनका CGL में नहीं हुआ और NTPC में हो गया, और आज वो बहुत अच्छे तरीके से नौकरी कर रहे हैं, बहुत शानदार जीवन जी रहे हैं। तो NTPC का जो लेवल होता है वो CBT 2 का अगर आप स्पेशली देखोगे, मेंस का अगर आप देखोगे ना, तो वो लेवल जो होता है वो प्री से भी बहुत खतरनाक लेवल का होता है। अब ऐसे केस में यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे थोड़ी बहुत जानकारी या तुच्छ जानकारी के साथ में वो जाते हैं, वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आपका जितने का फॉर्म है मात्र उससे 200 रुपये से ज़्यादा का आपका ये बैच है मेरे भाई, और इसमें हमने ऐसा पढ़ा रखा है कि आपको दो बार अलग अलग बैच लेने की आवश्यकता नहीं है, कि CBT 1 का अलग हम पढ़ेंगे CBT 2 का अलग पढ़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं। हमारा मैथ्स का VOD 2.0 बैच है, आप यहाँ पर हमारे एप्लीकेशन RG विक्रमजीत एप्लीकेशन से लीजिए, और यहाँ से लेकर के इसको पूरा बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना पूरा ख़त्म करिए भाई, ठीक है। इसमें
आपको मेरे भाई लाइफ टाइम वैलिडिटी भी मिलती है, कभी एक्सपायर नहीं होगा। ये नहीं 6 महीने का एक्सपायरी है, 1 साल का है, बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरा का पूरा मेरे भाई अनलिमिटेड एक्सपायरी है आपका, कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला है, ठीक है। सारी बातें बता रखी है, हर एक चैप्टर का शीट है, हर एक चैप्टर का टेस्ट है, ये दे रखा है, तो आप इसमें एनरोल करके पढ़ सकते हैं। बाकी रेलवे के लिए दो बहुत ही ज़बरदस्त हमने आप लोगों के लिए किताबें निकाली हैं। एक विज्ञान में हमारा रेलवे का सामान्य विज्ञान आया है। काफ़ी बच्चे ये कहते हैं कि सर ये इंग्लिश इसकी कब आएगी, तो देखो आपके सामने ये 109 रुपये में विथ डिलीवरी आप इसको फ्लिपकार्ट से अपने घर पर मंगा सकते हो। रेलवे सामान्य विज्ञान इंग्लिश में है और ये हमारा हिंदी में है, ठीक है। ये आपके रेलवे NTPC के लिए इतनी पतली सी किताब अपने आप में पर्याप्त होगी, आप इतना पढ़ करके चले जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मैथ्स के लिए तो मेरे भाई मैं आपको बोलूँगा ब्रह्मास्त्र हमारी ये किताब है, और ये दोनों किताब हमारे सामने अवेलेबल है, रेलवे गणित भी और रेलवे इंग्लिश भी। आप इसको देखे होंगे लाइब्रेरी में, काफ़ी सारे बच्चे मेरे भाई इस किताब को लगा रहे होंगे, क्योंकि इस किताब की खासियत है भाई, इसके अंदर में आपका पूरा सारा एग्जाम का क्वेश्चन दिया गया है, हर एक लेवल को टच किया गया है। ये पूरी किताब को जब आप देखोगे ना, तो ये पूरी की पूरी आपकी टाइप वाइज है भाई, पूरी किताब को बहुत ही सुंदर तरीके से हमने टाइप वाइज लेवल वाइज सब कुछ बना दिया है, आप यहाँ देख सकते हैं। और हर एक चैप्टर का एक पर्टिकुलरली हमने इसके अंदर में टेस्ट भी दिया गया है, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो ये किताब 265 रुपये की है, जो कि आप फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं। दोनों किताबों का और बैच का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से फ़ायदा उठा लीजिएगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए पहले ये जो आपका मेडिकल टेस्ट है ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आज ये चलिए तो मेडिकल टेस्ट की अगर हम बात करें, तो पहले स्टेशन मास्टर को कौन सा देना है, A2, ठीक है। इसमें शारीरिक रूप से हर तरीके से आप फिट होने चाहिए, गुड ट्रेन मैनेजर का भी है A2, इसमें भी पूरी फिटनेस होनी चाहिए, और बाकी B2 और C2 है यहाँ पर। A2 की अगर हम बात करें ना, तो A2 का जो विजन वाला टेस्ट है ये देखो, हर दृष्टि यहाँ पर दूरदृष्टि 6/9, 6/9, बिना चश्मे के, कोई फॉगिंग टेस्ट नहीं होगा, और बाकी ये सारी बातें होंगी। इसमें आपको यहाँ पर जो है मायोपिक विजन के लिए टेस्ट पास करना होगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, लेसिक जो कराए हुए हैं ना, उनको यहाँ पर मान्यता नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखो। हालांकि बहुत ऐसे क्लिनिक्स हैं जहाँ पर लेसिक कराओ तो पता भी नहीं चलता है, तो वो थोड़ा सा आप लोग देख लेना, वो आप लोगों के अपने हाथ में है भाई, यहाँ पे समझ के बात को लेकर के। अब आ जाओ यहाँ पर सैलरी की बात करते हैं, तो देखो मैंने यहाँ पर जो है लेवल दे रखा है कि किस पोस्ट में कितने किस लेवल की बेसिक पेमेंट मिलती है। जैसे ट्रेन मैनेजर को इतना हो गया, TC को इतना हो गया, और ये सारा हो गया बेसिक पे है। उसके बाद में अलाउंस क्या क्या मिलता है, तो आपको जैसे महंगाई भत्ता हो गया, ट्रांसपोर्ट का अलाउंस हो गया, HRA हो गया, ये सारा कुछ जो है आपको इसमें मिल रहा होता है। तो NTPC एक ऐसा पद होता है जहाँ पर लोगों को बहुत बढ़िया इंतज़ार होता है, कब ये आएगा, कब इसमें हम अप्लाई करेंगे और कब जो है हम इसमें सेलेक्ट होंगे। तो यहाँ पर अगर आप मेरे से पूछेंगे कि सर ये नौकरी कैसी है, तो मैं तो बोलूँगा बहुत ही शानदार है, ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, ना इंग्लिश की आवश्यकता है ना हिंदी की आवश्यकता है, 3 विषयों का अगर आपके पास में ज्ञान है तो आप दे सकते हैं। तैयारी के लिए हमने आपको बता ही रखा है, आपको जो टीचर समझ में आता है आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, कोई हमारे तरफ से दबाव नहीं है। बाकी इसकी एक स्ट्रेटजी और गाइडेंस वीडियो भी हम लोग इसी चैनल के ऊपर में लेकर के आ जाएंगे, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी जो महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन होंगे वो हम आपको यहीं से बताएंगे। आपके मन में कोई डाउट या कोई रहती है तो आप वो भी मेरे भाई यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो फॉर्म भरिए अच्छे तरीके से, कोई गलती मत करिएगा यहाँ पर, कोई आपको सेकंड चांस किसी को देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बाकी हमारी तरफ से मेरे भाई ऑल द बेस्ट, कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। धन्यवाद। हम खुद आपके पास में हैं, आपके साथ में, आपके बगल में हैं, ठीक है, आपके कंधे पर अपना हाथ रखे हुए हैं, बस आप पढ़िए, ठीक है। चलिए तो मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए दोस्तों इतना ही, अच्छे से पढ़ाई करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, थैंक यू।